हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइड्रोलॉजी की, जो कि हम लोग पिछले कई वीडियो से बातें करते आ रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और इस वीडियो में हम उनको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोलॉजी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेज मेजरमेंट। तो ये स्टेज क्या होता है? स्टेज एक्चुअली में है रिवर का सरफेस का एलिवेशन को हम लोग स्टेज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एलिवेशन का मतलब कि ऊंचाई या हाइट किसी डैटम से, यानी मान लीजिए कि अगर ये कोई रिवर है, मान लीजिए रिवर है, रिवर में पानी फ्लो हो रहा है और हमने मान लिया है दिस इज डैटम, तो और ये रिवर का सरफेस है, ये अगर हम सरफेस माने इसको, ये सरफेस है, तो इस डैटम से ये जो हाइट होगा दिस इज कॉल्ड स्टेज। ये हाइड्रोलॉजिक लैंग्वेज है। तो या तो हम लोग डैटम को कई बार मीन सी लेवल मानते हैं या फिर एनी अदर अज्यूम्ड डैटम, कुछ भी हो सकता है जो हम मानेंगे, तो उस डैटम को हम फिक्स कर लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग रिवर के सरफेस का अगर हम लोग हाइट या एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं उसको स्टेज मेजरमेंट। अब आता है कि कितने सारे तरीके हैं स्टेज मेजरमेंट करने के। तो जैसा कि अब हम समझ चुके हैं कि स्टेज मेजरमेंट क्या होता है, तो उसको मेजर करने के कई सारे तरीके हैं। पहला है जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, जिसको कहते हैं स्टाफ गेज। तो ये स्टाफ गेज क्या होता है? ये हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये नदी है और इस नदी में पानी जो है इस तरह से है, तो कहीं भी हम लोग एक स्टाफ को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और इस स्टाफ के ऊपर ग्रेजुएशन कर देते हैं। तो ये जब पानी का लेवल बढ़ता है या घटता है तो हम लोग उससे मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज स्टाफ गेज। तो ये एक तरीका है स्टाफ गेज। दो तरीके का भी हो सकता है। मान लेते हैं कि पानी अगर बहुत ज़्यादा गहरा है तो एक वर्टिकल, इसको कहते हैं वर्टिकल स्टाफ। वर्टिकल स्टाफ गेज। तो अगर एक में अगर नहीं हो पाए, अगर मान लीजिए कि नदी का सेक्शन कुछ ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग सेक्शन में कई सारे स्टाफ ऐसे लगा सकते हैं, इसको हम लोग सेक्शनल स्टाफ गेज कहते हैं। तो ये तो हो गया एक स्टाफ गेज। फिर दूसरा होता है वायर गेज। तो वायर गेज में क्या होता है? पुल्ली होती है, इस पुल्ली के ऊपर वायर लपेटा हुआ होता है और वायर को हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, उसके सरफेस तक, इस तरह से सरफेस तक डालते हैं। तो ये जो रोटेशन होता है, ये रोटेशन काउंट हो जाता है। तो नंबर ऑफ रोटेशन और उसका डाया, उस हिसाब से हम लोग स्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से वायर गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सी नंबर, अगर है तो सी नंबर में है ऑटोमेटिक स्टेज रिकॉर्डर्स हैं। इसमें भी दो तरीके के आते हैं, फ्लोट गेज रिकॉर्डर और बबल गेज रिकॉर्डर। दूसरा है बबल आप इस नाम जानिए केवल, अगर आपको ज्यादा जिज्ञासा, मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा इसके बारे में ज्यादा डिटेल, बुक्स में दिया हुआ है,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के हिसाब से आपको नाम पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया कि ये दो रिकॉर्डर हैं। अगर आपकी जिज्ञासा है तो आप बुक्स में देख सकते हैं इसकी डिटेल कि ये क्या होता है, फ्लोट गेज क्या होता है, बबल गेज क्या होता है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो दोनों हैं ऑटोमेटिक टाइप के हैं, ऑटोमेटिक हैं, और तो फिर मैनुअल कौन सा हो गया, मैनुअल हो गया ये दोनों, दीज आर मैनुअल गेज। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उसके बाद है, अब जो हमारा हाइड्रोलॉजी का जो नेक्स्ट टास्क है वो टास्क है आपका मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब कोई नदी है या नाला है, उसमें क्या वेलोसिटी है, क्योंकि जब तक हम वेलोसिटी नहीं जानेंगे फिर हम लोग उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करें या डैम बनाएं या बराज बनाएं या कुछ भी बनाएंगे तो उसके लिए हमें वो डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ये अगला हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोलॉजी में, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। अब मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ये जरूरी इसलिए भी है कि अगर हम नदी का डिस्चार्ज निकालना चाहें तो हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम अगर एरिया निकाल लें तो हम उस हिसाब से उसका डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। अब जो है मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो दो तरीके से निकालते हैं, करंट मीटर और फ्लोट्स। करंट मीटर और दूसरा होता है फ्लोट्स, ये जो है लेस प्रिसाइज होता है, माने इसके रिजल्ट उतना सही नहीं होता बट ये ज्यादा प्रिसाइज होता है। तो करंट मीटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। करंट मीटर्स क्या है, ये एक तरह का डिवाइस है जिसको हम लोग पानी के अंदर डाल देते हैं स्ट्रीम में, और जब पानी फ्लो करता है तो उसमें कुछ रोटेशन वगैरह होता है जिसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके बता देता है कि स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है। तो जो करंट मीटर्स आते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। तो करंट मीटर्स में दो तरीके के हैं, पहला है वर्टिकल एक्सिस मीटर और दूसरा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर। तो ऑब्वियसली जैसा नाम है तो एक का जो एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा, एक का जो होगा वो आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो वर्टिकल एक्सिस मीटर के कुछ पॉइंट्स हैं। अब वर्टिकल एक्सिस में है, दे कांट बी यूज्ड इन सिचुएशन वेयर देयर आर एप्रिसेबल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग वहां नहीं इस्तेमाल कर सकते जहां पे कांट यूज्ड वेयर appreciable amount of vertical component of velocity। अब velocity is a vector quantity, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। velocity is a vector quantity, तो vector को हम किसी भी direction में resolve कर सकते हैं, मान लेते हैं कि तो फिर अगर रिजॉल्व कर सकते हैं तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा वेलोसिटी का और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। तो अगर वर्टिकल वाला कंपोनेंट अप्रिशिएबल अमाउंट का ज़्यादा है तो फिर ऐसे में वर्टिकल एक्सिस मीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब हमें इसमें जो रिजल्ट आएंगे वो इतने सही नहीं आएंगे। तो नॉर्मल रेंज ऑफ वेलोसिटी मेजरमेंट इज, इसका जो रेंज है ये करीब करीब आता है 0.15 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड, मैंने 150 मिलीमीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक वर्टिकल जो है एक्सिस मीटर जो है कर सकते हैं, मेजरमेंट इससे कर सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा टाइप का है वो आपका है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर।
तो ये काफ़ी मतलब अच्छा है, रगेड होता है मतलब रुखरा खुरदरा होता है, और इसमें जो है एंगल पे अगर फ्लो हो रहा है, अगर मान लीजिए हमने इंस्टॉल किया किसी और डायरेक्शन में और जो फ्लो का डायरेक्शन है अगर उससे 15 डिग्री तक भी है, तो रिजल्ट में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रिसाइज रिजल्ट देता है। तो फेयरली रगेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ऑब्लिक फ्लोज ऑफ एज मच 15 डिग्री। और ये भी जो है आपका वही 150 से सेम रेंज में, इसी रेंज में ये भी मेजर कर सकते हैं, इसी रेंज में मेजर कर सकते हैं। अब जो करंट मीटर्स हैं इनको, इनका जो वेलोसिटी निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा आप याद रखिए। करंट मीटर से अगर वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो वी इज इक्वल टू होता है ए एन एस प्लस बी। वहाँ पे एन एस क्या है, करंट एन एस जो है वो रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो देखिए करंट मीटर में क्या होता है, कुछ रोटेटिंग पार्ट होता है तो वो रोटेट होता है, उसका जो वेलोसिटी है उसमें दो कॉफिशियंट ए एंड बी जो है ये कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करेगा मीटर पे, या करंट मीटर जो है उस पे डिपेंड करेगा, द कॉन्स्टेंट्स ऑफ करंट मीटर, डिफरेंट करंट मीटर के डिफरेंट ए और बी वैल्यूज हो सकते हैं, तो ये ए और बी वैल्यूज जो है वो डिपेंड करेगा कि कैसा डिवाइस है, डिवाइस के ऊपर, और वी जो हो गया आपका स्ट्रीम फ्लो। तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये जो फॉर्म है वह वी इज इक्वल टू ए एन एस प्लस बी, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट करते हैं तो जो मेजरमेंट हम कहाँ करते हैं, अब देखिए मान लीजिए कि हमारा ये है सेक्शन, मैंने बना दिया रिवर का, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर का सेक्शन हमने बनाया, तो कहता है कि अगर जो डेप्थ है अगर वो सैलो है, यानी अगर ये डेप्थ अप टू थ्री मीटर, अगर ये अप टू थ्री मीटर है तो जो वेलोसिटी वी बार, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वी बार जो होगा वो होगा 0.6 डेप्थ ऑफ फ्लो। मान लीजिए कि दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, ये पूरा जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो डी, तो हम मेजरमेंट वेलोसिटी का कहाँ करेंगे, 0.6 डी पे, यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा नीचे जाएंगे, तो वी इसको लिखते हैं वी 0.6, वी बार इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी हम करंट मीटर कहाँ लगाएंगे, 0.6 डी डेप्थ पे ऊपर से वहाँ पे लगाएंगे, तो ये जो वेलोसिटी मिलेगी दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, और ये कब है, शैलो फोर शैलो डेप्थ, मतलब डेप्थ जो है अगर स्ट्रीम का अप टू 3 मीटर, अगर 3 मीटर तक डेप्थ है तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर 3 मीटर से ज़्यादा है तो जो है एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकालने के लिए हमें दो डेप्थ पे निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा वी 0.2 एंड मतलब 0.2 डेप्थ पे ऊपर से यहाँ, और उसके बाद दूसरा निकालना पड़ेगा वी 0.8, यानी ये हो गया वी 0.2 और यहाँ पे वी 0.8, तो वी बार जो हो जाएगा हमारा, वी बार इज इक्वल टू वी 0.2 प्लस वी 0.8 डिवाइड बाई 2, यानी इसका एवरेज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जब सैलो डेप्थ है तो हमें कहाँ पे निकाल, ये बहुत ऑब्जेक्टिव में आता रहता है तो हमेशा याद रखिए, तो हमें स्ट्रीम का वेलोसिटी कहाँ मेजर करना है, 0.6 डी
डेप्थ पे, यानी और उसको कहते हैं जीरो वी 0.6। और अगर डेप्थ ज़्यादा है, 3 मीटर से ज़्यादा है, मॉडरेटली डीपर अगर स्ट्रीम है, तो उसमें हम लोग वी बार निकालेंगे, 2 पॉइंट पे निकाल के उसका एवरेज करेंगे, एक वी 0.2 और वी 0.8, और उसका एवरेज निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रीम का एवरेज फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। उसके बाद है कि अगर फ्लो फ्लड है, बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, इन रिवर हैविंग फ्लड फ्लोज, तो केस होता है कि अगर इफ रिवर हैविंग फ्लड फ्लोज, तो अगर बाढ़ वाढ़ की के समय में रिवर बहुत बहुत ज़्यादा पानी आ गया और फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग जो मेजर करेंगे ओनली सरफेस वेलोसिटी मेजर्ड, और ये सरफेस वेलोसिटी ये करीब करीब डेप्थ से माने टॉप से 500 नीचे होता है, 500 mm नीचे इस पॉइंट पे, जिसको हम लोग सरफेस वेलोसिटी कहते हैं, अबाउट 0.5 मीटर डीप बिलो द सरफेस। और वो मेजर करने के बाद वी बार जो होगा, दिस इज इक्वल टू के वी इंटू एस। वी एस क्या है जो हमने यहाँ पे मेजर किया, वी एस, ये वी एस है, इसमें एक के कॉफिशियंट है जिससे गुना कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम निकल जाएगा। और ये जो के है, के इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.85 टू 0.95 होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था इस चीज़ को जानना कि हम लोग जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके बाद आता है आपका साउंडिंग वेट। देखिए, जो मान लेते हैं कि एक करंट मीटर है, सपोज कि दिस इज ए, इस टाइप का कुछ करंट मीटर होता है, ऐसा करके कुछ करंट मीटर होता है, यहाँ पे कुछ मैं सेक्शन बना रहा हूँ, ये फिन्स है, ये रोटेट होता रहता है, ये रोटेट करता है, और ये जो इसमें ना एक वेट लगा दिया जाता है, सो दैट कि वो एक पॉइंट पर यहाँ पे इसको टांग के वायर में, इसको हॉइस्ट कह सकते हैं, इसको लटका दिया जाता है, और ये थोड़ा सा भारी होता है, ये भारी होता है कि ये पोजिशन रहे, और नीचे फिन्स होता है जो कि इसको स्टेबल कर सके, ठीक है, तो इसको हॉइस्ट कहेंगे, और ये होता है साउंडिंग वेट, और ये है स्टेबिलिटी फिन। तो ये जो साउंडिंग वेट है, इसके बारे में हम लोग बात करें अगर, तो साउंडिंग वेट जो होता है W, अगर कहें तो ये होता है 50 वी बार इंटू डी, लगभग लगभग इतना साउंडिंग वेट होना चाहिए करंट मीटर का, तो वो स्टेबल रहेगा। और W इज इक्वल टू वेट इन न्यूटन, वेट इन न्यूटन, और वी बार है जो एवरेज स्ट्रीम वेलोसिटी है, एवरेज स्ट्रीम वेलोसिटी, और डेप्थ ऑफ फ्लो डी है, डेप्थ ऑफ फ्लो। तो ये साउंडिंग वेट के बारे में थोड़ी सी बात मैंने बताई, अगर कहीं आपसे पूछा जाए तो आप ये बताइए, वो वेट जो होता है वो स्ट्रीम में उसको स्टेबल रखने के लिए, एक जगह स्टेबल रखने के लिए होता है, जैसे ये वेट जो है ये स्टेबल रखने के लिए होता है, यहाँ से ये लटका दिया जाता है, और ये पानी है इसमें, तो ये थोड़ा अगर भारी नहीं रहेगा तो वो इधर उधर स्ट्रीम के साथ फ्लो हो जाएगा, तो मेजरमेंट जो है एक पोजीशन पे होनी मुश्किल हो जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्लोट्स के बारे में। कैमरा थोड़ा हिल रहा है, माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सेटिंग जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। तो हम लोग अभी बात करेंगे फ्लोट्स। तो फ्लोट्स क्या है, बहुत सी हल्की कोई चीज़ है, अगर पानी में डाल दिया तो क्या करेगा, स्ट्रीम के साथ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये नदी है, नदी है, और यहाँ पे एक फ्लोट डाला, और ये फ्लो होके टी टाइम में यहाँ पहुँच गया, और दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल एस, हाँ, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाई टी। तो ये फ्लोट का सिंपल सा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू एस बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन टाइम टी। तो इस तरह से हम लोग फ्लोट के द्वारा हम लोग स्ट्रीम का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, यानी कितना पानी अमाउंट ऑफ वाटर एक क्रॉस सेक्शन से नदी में पास हो रहा है वो डिस्चार्ज कहते हैं उसको। तो वो हम कैसे निकालते हैं किसी स्ट्रीम में या किसी रिवर में, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अभी टेक्निकल अत्याचार चैनल पे यानी टीए पे लगभग 55,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये डे बाय डे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी स्लो है रेट। मैं चाहता हूं कि टीए पे जल्दी से जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और मुझे आपसे इसके लिए मदद चाहिए। तो मैं आपको बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी पहली बार यहां पहुंचे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे किस तो हो सकता है किसी नए लोग के पास पहुँचे, तो शेयर करने से बेनिफिट होगा ये कि वो नए आदमी के पास पहुँचेगा तो वो सब्सक्राइब कर लेगा, तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाएगी। हमारी फैमिली 55,000 से ज़्यादा हो चुकी है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, तो लाइक करिए फिर इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी 1,00,000 पहुँच जाएँ, तो ये हमारा टारगेट है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपके मन में कोई सुझाव है या कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें फटाफट लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।